मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने वादे के मुताबिक शनिवार 10 अगस्त को प्रदेश की सभी लाडली बहनों के लिए बड़ा तोहफा दिया। इस दिन दोपहर 12 बजे एक साथ 25,000 स्थानों पर सिंगल क्लिक के जरिए 1500 रुपए लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर किए गए। इसमें से 250 रुपए मुख्यमंत्री द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष तोहफा के रूप में दिए गए, जबकि 1250 रुपए लाडली बहना योजना की मासिक किस्त के रूप में शामिल है। मुख्यमंत्री यादव ने शुक्रवार को रक्षाबंधन और सावन उत्सव कार्यक्रम के दौरान बताया कि यह लाडली बहना योजना की 15वीं किस्त है। अब तक प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में कुल 11,500 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी महिला सरपंचों और प्रदेश के अन्य सरपंचों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों में शनिवार को रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित करें। सरपंच बहनें और क्षेत्रों की सभी महिलाओं को आमंत्रित करें और राखी बांधने का कार्यक्रम आयोजित करें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान विरोधी दल यह कहते थे कि लाडली बहना योजना चुनाव के बाद बंद हो जाएगी, लेकिन यह योजना आज भी जारी है, जो उन लोगों के लिए करारा जवाब है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह योजना बंद नहीं होगी और इसे लगातार जारी रखा जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि लाडली बहना योजना की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने की थी। विधानसभा चुनाव के पहले इस योजना के तहत शुरुआत में 1,000 रुपए दिए गए थे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इस राशि को धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपए तक करने का वादा किया था, लेकिन फिलहाल 1250 रुपए ही दिए जा रहे हैं।